मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में सबसे बड़ी समस्या जो है वो हॉकर्स को लेकर है। रास्ता रुंदीकरण को लेकर जो है हॉकर्स को रास्ते से हटा दिया गया है, लेकिन उनके लिए अभी तक मुंब्रा में कोई भी हॉकर्स जोन नहीं है। सन 2014 में ठाणे महानगर पालिका द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें 100 रुपये का आवेदन पत्र दाखिल करके हॉकर्स को हॉकर जोन में जगह देने की बात की गई थी, जिसमें मुंब्रा शहर से करीब हज़ारों की तादाद में हॉकरों ने उस आवेदन भरा था कि उन्हें भी जो है हॉकर जोन में जगह मिलेगी। मगर ठाणे महानगर पालिका ने इस आवेदन में कई जगह, मुंब्रा में कई ऐसे जगह है जहां पर, मगर ठाणे महानगर पालिका ने मुंब्रा और दीवा में मिलाकर कुल 15 हॉकर जोन बनाए हैं, जिनमें निर्देश भी दिया गया है कि वहाँ लाइट, पानी, बिजली की सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं, जिसकी जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद यूसुफ ने निकाली है। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किस तरह का ये हॉकर जोन है और ये हॉकर जोन कब पास हुआ था, कितने लोगों ने और इनमें आवेदन दिया था, इसकी पूरी जानकारी हम उन्हीं से लेने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद यूसुफ भाई, आपने आरटीआई से जो जानकारी निकाली है, ठाणे महानगर पालिका ने जो हॉकर जोन बनाए हैं, अभी तक तो ऐसा मुंब्रा शहर में कुछ हॉकर जोन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपने जो आरटीआई के जरिए जानकारी निकाली है उसमें क्या बताया गया है, क्या है उसमें सर? सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राष्ट्रीय फेरी वाला धोरण 2009 निश्चित किया गया, लागू किया गया 2009 में। उसके लिए 2014 के अंदर ठाणे महानगर पालिका ने सभी प्रभाग समितियों के माध्यम से उन्होंने फेरी वालों से आवेदन मंगाया गया, सर्वेक्षण किया गया, जिसको सर्वे बोलते हैं, उस सर्वे करके सर्वे के मुताबिक सभी लोगों से फॉर्म भरवे के लिया गया, जिसके अंदर नौपाड़ा प्रभाग समिति से 1354 लोगों ने फॉर्म दिया, कोपरी में 342 लोगों ने, इसी तरह से मुंब्रा के अंदर 167 लोगों ने फॉर्म दिया फेरी वालों ने, जिसमें से 633 लोगों का बायोमेट्रिक हुआ, मगर 633 लोगों का बायोमेट्रिक हुआ मगर इन्हें अभी तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया नहीं गया, जिसे नोंदनी प्रमाण पत्र कहते हैं। और इसी तरह से फेरी वाला जोन भी निश्चित किया गया 2018 में नवे महीने में, और उन फेरी वाला जोन में शौचालय, पानी और वह इत्यादि सुविधा देने के लिए कमिश्नर साहब ने आदेश दिया है 2018 के अंदर नवे महीने के अंदर, मगर आज तक उन फेरी वालों को ना तो उन फेरी वाला जोन में बसाया गया है, सिर्फ महानगर पालिका जो मुंब्रा की महानगर पालिका है। भाई आप ये बताइए कि जो आपने आरटीआई से जानकारी निकाली है उसमें जो ये हॉकर जोन बता रहे हैं दिया गया है 15 जगह पर, तो ये हॉकर जोन 15 जगह पर कहाँ कहाँ पर है, और जो सहायक आयुक्त हैं यहाँ पर बिजली, शौचालय क्यों नहीं मुहैया करा रहे हैं, आपने क्या सहायक आयुक्त से भी बात की है इसके बारे में? यहाँ के जो सहायक आयुक्त है महेश अहर साहब, उन्हें जब भी मैं बात किया हूँ तो उन्होंने कहा है हम करेंगे, कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं तो पहले आप उनको उधर बसाओ ना फेरी वालों को। अब फेरी वाले कोई शौक में तो कोई फुटपाथ पे लगाते नहीं है, ना तो रोड के किनारे लगाते, उन्हें मजबूरी में उन्हें वहाँ लगाते ताकि अपने घर वालों का पालन पोषण कर सके इज्जत के साथ में। अपन दत्तूवाड़ी के अंदर प्रभाग क्रमांक 26 के अंदर दत्तूवाड़ी के अंदर 12 फेरी वालों को बैठने की जगह मुहैया कराई गई, जिसे फेरी वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। मुंब्रा देवी के अंदर 17 लोगों को, मुंब्रा देवी के अंदर एक उधर पे प्ले ग्राउंड है, रिजर्व प्ले ग्राउंड, उसके अंदर 17 लोगों को, आनंद सोसाइटी में 27 लोगों को, इसी तरह से 360 लोगों को फेरी वाला जोन में बिठाने के लिए जगह निश्चित की गई है, मगर एक भी जगह पर किसी फेरी वालों को नहीं बिठाया गया है, इसलिए वो मजबूरी में वहाँ पे धंधा करते हैं, मगर आज धंधा नहीं करने दे रहे उन लोग। अभी रमजान के महीने में इन लोग इतना नाइंसाफी कर रहे हैं कि किसी को धंधा लगाने नहीं दे रहे। अभी बताइए जहाँ पे वो बेचारे फेरी वाले धंधा लगाते थे। तो भाई आप ये बताइए, जैसे कोपरी हो गया, नौपाड़ा हो गया, यहाँ पर कुछ जो है फेरी वालों को जगह भी दी गई है, कुछ लोग वहाँ पर हैं, लेकिन जो यहाँ आरटीआई से आपने जानकारी ली है इसमें मुंब्रा और दीवा में 0-0 है, तो इसका मतलब कि जो है मुंब्रा और दीवा के साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है, आखिर यहाँ के फेरी वालों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्यों नहीं इन्हें जगह दी जा रही है बैठने की? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुंब्रा के अंदर ठाणे महानगर पालिका का मार्केट नहीं है, मगर जहाँ मार्केट है नौपाड़ा के अंदर मार्केट है, कलवा के अंदर मार्केट है, लोकमान्य में ठाणे महानगर पालिका की अधिकृत मार्केट है, तो मुंब्रा में मार्केट नहीं है, ना तो इनका सर्वेक्षण करते हैं, ना तो इनका बायोमेट्रिक करते हैं, ना इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि नौपाड़ा के अंदर मार्केट होने के बावजूद उधर फेरी वाला जोन भी दिया गया है,
कोपरी में भी इसी तरह से, और यहाँ तक सभी प्रभाग के अंदर लगभग सभी लोग सभी फेरी वालों को प्रमाण पत्र दिया गया फेरी वाला बोल के, मगर मुमरा में नहीं कर रहे, मुमरा में नहीं कर रहे, इसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इधर पे है, सिर्फ हम कर रहे सिर्फ उजाड़ने का काम मुमरा प्रभाग समिति के लोग कर रहे, ना कि उन्हें कुछ बसाया नहीं जा रहा है, उन्हें हक की रोटी नहीं दिया जा रहा है, हक का उनको व्यवसाय करने नहीं दिया जा रहा है। जब भी बेचारे कहीं भी कुछ भी करके लाते हैं, उधर धंधा करने जाते हैं, तो उन्हें हकाल दिया जाता है। मगर मुमरा स्टेशन पे उन लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक जाम हो रही है। पहले तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले साल पिछले रमजान में डॉक्टर स्वामी जो DCP थे हमारे इधर के, और किशोर पासलकर थे, और डॉक्टर रमेश धुमाल SCP साहब थे, उन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया था। उन 2018 में मुमरा बाईपास कुछ कामों के लिए बंद था, उसके बावजूद यहाँ पर उन्होंने यातायात की समस्या उत्पन्न होने नहीं दी, इतना अच्छा मेंटेन किया था। इस साल क्यों नहीं, इस साल तो ये बाईपास का रोड भी चालू है और मित्तल का रोड थोड़ा बहुत चालू है, लोग आ रहे जा रहे, इधर तो और अच्छे से हो सकता है। मैं इस बार इन लोग इतना क्यों हैरान कर रहे हैं फेरी वालों को, ये कुछ समझ से परे है मेरे। अभी ये बोलते हैं हमने लगा देंगे, जबकि कौसा में रात शाम के टाइम 3-4 बजे मार्केट लग जाती है, और उसके थोड़ा आगे आ जाओ तो दारूफला में दीवार को लग के लग रही है ना, तो उसी तरह से सिर्फ अमृतनगर के पट्टे में क्यों नहीं लगने दिया जा रहा है। अमृतनगर में एक महाराजा कॉर्नर से अमृतनगर गेट तक क्यों नहीं, अमृतनगर गेट में भी अमृतनगर का जो गेट है वो गेट में पूरा फेरी वाले जाम करते, तो लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। अगर करना है तो सबको एक नज़र से देखो आप। नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 15 जगह पर जो है ये हॉकर जोन जो है बनाया गया है, फेरी वालों के लिए जगह दी गई है, तो आपने इसके बारे में महेश आहिर से बात की, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया कि हॉकर जोन जो है बनाकर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं, उन्होंने मैं जब भी इस बारे में बात किया हूँ महेश आहिर साहब से और जो संबंधित अधिकारियों से, यहाँ तक मैंने भूरपुरे साहब को भी बताया, साहब मुमरा के अंदर हॉकर जोन आपने आदेश दिया है, वो भूरपुरे साहब का कहना है कि भाई हमने प्रभाग समिति स्तर पर हमने सभी को लेटर दे दिया गया है कि आप लोग हॉकर जोन की जो यादी प्रसिद्ध हुई है उसके अनुसार आप लोग हॉकर लोगों को वहाँ बसाए। और पहले बात मुमरा में कैसा होगा साहब, मुझे बताइए ना, मुमरा में इन लोगों ने सर्वे ही नहीं किया ना, 167 लोगों का फॉर्म लिया है, उस पर से हजार रुपये लिया उन लोगों से, वो उनका कुछ काम ही नहीं करते, खाली बायोमेट्रिक आधे लोग का क्यों किया, पूरे लोग का क्यों नहीं कर रहे इन लोग? तो अभी क्या लगता है आपको कि जो यहाँ से कहा गया है ठाणे महानगर पालिका की तरफ से, तो ये मिलेगा भी बनाकर या नहीं मिलेगा? अगर हमारे इधर के जो लोगों ने जो चुन के दिया है लोक प्रतिनिधि, जिन्हें नगर सेवक कैसे कॉर्पोरेटर कहते हैं, अगर उन लोगों ने ये बाकी जैसा इन लोग गटर साफ करने के नाम पर गटर साफ करने के लिए जिस तरह से इन लोग पीछे पड़ जाते हैं महानगर पालिका के, कि उसमें उनको कुछ फ़ायदा होता है ना, तो उन लोग पड़ जाते हैं। अगर उसी तरह से अगर उन्होंने सोचा नहीं फेरी वालों को भी हम साथ देंगे, हो सकता है अल्लाह हमारे जो भी है हमको साथ देगा, अगर उन्होंने फेरी वालों के लिए थोड़ा लड़ा तो हो सकता है फेरी वालों को हॉकर जोन मिल जाएगा। और हमारे जैसे लोग तो लगे हैं कि इनको हक दिलाना है, इनको फेरी वाला जोन उपलब्ध करा के देना है, इससे मैं भी कुछ दिनों में आंदोलन करने वाला हूँ फेरी वालों के लिए। तो जैसा कि मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि मुमरा बाईपास बंद होने के बावजूद भी पिछले साल रोड पर जो है फेरी वाले धंधा लगाए थे, मगर इस साल जो है पुलिस प्रशासन TMC के तरफ से जो है कहा गया कि रोड पर यानी सड़कों पर धंधा नहीं लगेगा, और इस साल जो है धंधा भी नहीं लगा है। इनका कहना है कि क्यों नहीं आखिर धंधा लगाने की अनुमति दी गई, क्यों नहीं, जिस तरह से DCP स्वामी ने पिछले साल मेहनत कर किया था और ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया था और धंधा भी लगा था, तो इस साल भी उसी तरह होना चाहिए और सड़कों पर धंधा लगना चाहिए। और ठाणे महानगर पालिका ने जो फेरी वाला जोन जो 2014 में फॉर्म सबमिट कराया था, जो 1000 से ज़्यादा लोगों ने जमा किया था, कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो RTI के द्वारा इन्होंने जानकारी निकाली, तो मुमरा दीवा मिलाकर करीब 15 जगहों पर जो है फेरी वाला जोन बनाया गया है, लेकिन वहां पर अभी तक किसी भी फेरी वाले को बैठने की अनुमति नहीं दी गई है, जबकि ठाणे म्यूनसिपल कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि जो है वहाँ पर बिजली पानी शौचालय उपलब्ध कराई जाए, लेकिन जो सहायक आयुक्त है उनकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ मुहैया नहीं कराई गई है, जिसके लिए फेरी वाले जोन का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर लोग फेरी वाले बैठेंगे। इसी तरह जो कोपरी और नौपाड़ा का इलाका है वहाँ पर भी जो है उस समय जो है 100 रुपये का फॉर्म जो 1000 रुपये में सबमिट किया गया था, उस फॉर्म को लोगों ने जमा किया था कुछ फेरी वालों ने, उनको वहाँ पर जगह मिल गई है, लेकिन अगर मुमरा दीवा की बात करें तो यहाँ पर किसी भी फेरी वालों को कोई भी कहीं पर भी जगह नहीं मिली है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो हॉकर जोन बनाकर दिया गया था
जिसका उद्घाटन भी किया गया था, उसमें भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही है। जो वहाँ पर दरवाजे वगैरह लगाए गए थे, वो यहाँ के नशा करने वाले लोग जो है उसे जो हॉकर जोन बनाया गया था उसकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, यानी खंडहर बन चुकी है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुंब्रा दीवा में कहीं भी जो है हॉकर्स के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।